हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय गुड लाइफ विद शिविन। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में बिताई हुई एक शाम को शेयर करना चाहती हूँ। ये वही गांव है जहाँ हम लोग बचपन से आते जाते रहे हैं। बचपन में जब भी हम लोगों को गांव का खाना खाने का मन होता था या कोई फेस्टिवल होता था तो सब लोग साथ में एक शाम स्पेंड करने के लिए यहीं आया करते थे। मैं हमेशा चाहती थी कि शिविन भी यहाँ आए और यहाँ की लाइफ देखे, इसे एंजॉय करें जैसे हमने किया है। वैसे अपनी पूरी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ कहीं भी जाओ वो जगह यादगार हो ही जाती है। गांव के दाल बाटी चोखा के का अलग ही टेस्ट होता है। यहाँ नेचुरली ही सभी चीज़ों में चारकोल फ्लेवर आ जाता है। बाटी खाने का असली मज़ा इन गाय के कंडों में सिककर ही है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और टेस्टी भी थी। इन सभी चीज़ों में इतना स्वाद इनके बनाने वाले हाथों की वजह से है। देखिए इनके चेहरे की स्माइल, कितना खुश होकर हमें खिलाते हैं। यही प्यार और अपनापन ही तो हमें बार बार गांव खींच लाता है। चूल्हे पे बनी दाल का स्वाद ही अलग होता है। इसका रंग देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा टेस्टी होगी। कैसी लगी आपको बाटी? बहुत टेस्टी। खाने का स्वाद किसी अपने के हाथ से खाने में और बढ़ जाता है ना? जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता, सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। और यही अपनेपन का एहसास ही हमें वापस अपने गांव ले आता है। हम सभी इतने बिजी हो गए हैं कि हम लोग बड़ी बड़ी चीजों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने आसपास देखें तो छोटी छोटी चीजों में भी हमें बहुत खुशी मिल सकती है। आज यहाँ इतने शुद्ध वातावरण में आकर अपनों के साथ मुझे उसी खुशी का एहसास हो रहा है। और यही छोटी छोटी खुशियां ही तो हमारे जीवन का सहारा बनती है। यहाँ के खाने की भी बात अलग ही है। सबकी मदद से तैयार किया गया, बड़े ही प्यार से बनाया हुआ और उतने ही प्यार से परोसा हुआ ये स्वादिष्ट खाना आपको देखकर ही खाने का मन कर जाएगा। यकीन मानिए ये खाना किसी भी 5-स्टार होटल के खाने से ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ आकर यही स्टाइल चलता है खाना बनाने का, परोसने का और मिक्स करने का, है ना? कर गया ना आपका भी मन यह खाना खाने का? और हो भी क्यों ना, यह इतने अपनेपन से भरी हुई थाली जो है, यकीन मानिए मेरा भी कर रहा है। इतने स्वादिष्ट खाने के साथ परिवार का साथ हो तो खुशी दुगनी ही हो जाती है। ये किसी ने सच ही कहा है कि परिवार के बिना हर इंसान इस दुनिया में अकेला है, और परिवार के साथ हो तो हर तरफ मेला है। मोबाइल और गैजेट से दूर हम सभी को थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तुम लड़ाई करो, लड़ाई वो क्यों रहा है भाई? मन किया आज बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन जाएं और यह शाम हमारी और ज़्यादा खास हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा अपने परिवार के साथ बिताया हुआ ये दिन आपको अच्छा लगा होगा। फिर देर किस बात की है,
आप भी अपने अपनों के संग कुछ खास पल बिताइए। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।